जीनियस। बहुत खुशी हो रही गुरु जी आज, बहुत खुशी हो रही है। खूब खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो। गुरु जी बहुत दर्द था लेकिन इस समय दर्द बिल्कुल खत्म हो गया, सिर्फ बस ये मुंह में थोड़ा दर्द रह गया है गुरु जी। अभी कोई बात नहीं, कृपा होगी सब खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। गुरु जी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। खूब खुश रहे बेटा। मैं बलिया जिला से आया हूँ सर। अब तो डीएनए में हमारे 5 लोग हैं। अच्छा, 5 लोग खड़े हैं। जी जी, बहुत जीनियस। बहुत खुशी हो रही है गुरु जी आज, बहुत खुशी हो रही है। खूब खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो। गुरु जी बहुत दर्द था लेकिन इस समय दर्द बिल्कुल खत्म हो गया, सिर्फ बस ये मुंह में थोड़ा दर्द रह गया है गुरु जी। अभी कोई बात नहीं, कृपा होगी सब खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। पहले ये देखो कष्ट क्या क्या थे, पहले पढ़ लो, सुनो सब जो नष्ट हुए तुम्हारे पर्सनल। बुद्धि बनी रहती थी, हाइपरटेंशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, हत्या आत्महत्या के विचार आना, यूरेटर में सूजन, पैनिक अटैक आना, आर्टरीज ब्लॉक, श्वास लेने में भारीपन, एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियाँ थी, पैरालिसिस की स्मृतियाँ थी, व्यभिचार कराने वाली स्मृतियाँ थी, लंग्स में सूजन, बॉडी जो है ऑटोइम्यून हो गया था, ब्लड में इन्फेक्शन, किडनी में सूजन, हृदय के वॉल्व श्रिंक हो रहे थे, घाव बन रहा था आंतों में, पैनक्रियाज में और गुदा द्वार में, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, ब्रेन में सूजन, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लंग्स में, लीवर में, हड्डियों में, रक्त में और मुंह में। सत्य है गुरु जी, ऐसा ही था जी गुरु जी, बहुत। अभी सब नष्ट हो गया, केवल एक महावन कल जरूर करना ध्यान से। अच्छा, अभी आपको स्लिप मिलेगी तो हम बताएंगे उस महावन में किसको किसको संकल्प करके रहना है। तुमको तो रहना ही है और तुम्हारी वाइफ को भी रहना है। अभी इन 3 बच्चों में से बताएं किसको रखना है, ठीक है? खुश रहो, आंखें बंद कर जाएंगे, मिनट आंखें बंद करो, गहरी गहरी सांस लो 3 बार और छोड़ो नाक से, भ्रम नष्ट कर दिए, प्रहार दूसरे जो सोच रहे हैं वो दिमाग से नष्ट कर दिए, शुद्धि, आँख खोल लो। अब देखो कोई कष्ट तो नहीं कहीं? खुश रहो, प्रसन्न, मस्त रहिए। खुश रहो बेटा, कैसे हो अब? आवाज क्यों नहीं आ रही ऊपर? जब से जुड़े हैं तब से तो ठीक है गुरु जी, फिर हालत में। खुश रहो बेटा, देखिए तमाम सब रोग कष्ट आपके थे जो सब नष्ट हो गए, कुछ शेष नहीं बचा। सिर में दर्द होना, श्वास फूलना, कंधों में भारीपन रहना, पैरों में कमजोरी बनी रहती थी, लीवर में सूजन, कमर में दर्द और जकड़न होना, छाती में दर्द और जकड़न बने रहना, मस्तिष्क सुन्न रहना, अर्ध बेहोशी में रहना, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, सब कुछ गंदा गंदा लगना दिखना, परिवार के सदस्य से नफरत चिढ़ होना, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो रहा था, फाइब्रॉइड्स हो गए थे, आंतों में इन्फेक्शन, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, रक्त दूषित, आंतों में सूजन, मल त्याग करने में कष्ट होना, पेट में जलन होना, गर्भाशय में गांठें बन रही थी, आलस से बने रहना, हृदय में भारीपन, कैंसर की स्मृतियाँ थी, गले में, ब्रेस्ट में, कोलोन में, रेक्टम में और ओवरी में। ऐसे आपका यूट्रस खराब होता जा रहा था, फाइब्रॉइड्स बन रहे थे, कैंसरस हो रहा था आपका गर्भाशय, या आपका देख लीजिए ऐसे हो रहा था। ठीक, महावन होगा तो उसमें आप और आपके पति देव 2 लोग रहेंगे, ठीक है? खुश रहो। तुमको बेटा इसलिए रहना क्योंकि तुम्हारी किडनी डैमेज हो रही थी, तुम्हारी ये किडनी ऐसे डैमेज हो रही थी, है ना? गुरु जी एक बात पूछना चाहते हैं गुरु जी। आंतों में सब घाव बन गए थे, तुम्हें सूजन होती थी, मल त्याग करने में सुबह कष्ट होता था, लीवर में स्वेलिंग थी, लीवर में कैंसर की स्मृतियाँ थी, है ना? ये सब नष्ट हुई, लेकिन महावन जरूर करिए आप, ठीक है? 2 लोग, आँखों में, बच्चों में आँखों की कमी होती जा रही थी, रोशनी की धुंधलापन आता जा रहा था बच्चों में, ये सभी बच्चों में था, आँखों में रोशनी इन लोगों की कम होती जा रही थी बच्चों की, है ना? बच्चों का कष्ट है इसमें, ये जो बेटी है बड़ी वाली, इसके देखो कितने सब सारे रोग कष्ट थे, जो एक जवान लड़की में होती है अभी बच्ची है, ये सारे रोग कष्ट इनको अभी हो गए। जी
गंदे स्पंदन होना, पीसीओडी की स्मृतियाँ मतलब मासिक अनियमित, भूख कम लगना, चक्कर आना, सिर में दर्द बने रहना, चेस्ट में दर्द होना, ओसीडी की स्मृतियाँ, सब कुछ गंदा दिखना लगना होना, अर्ध बेहोशी में रहना, श्वास फूलती थी, पेट में दर्द होना, एसिडिटी बनना, पढ़ाई से अरुचि, आँखों में धुंधलापन, यूट्रस जो है श्रिंक हो रहे थे, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन, मल त्याग में कष्ट होना, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, लीवर में सड़न हो रही थी, कैंसर की स्मृतियाँ, गुदा द्वार में, प्राइवेट पार्ट में, ओवरी में, गॉल ब्लैडर में और लीवर में, उल्टी आना और आंतों में घाव बन रहा था, सिजोफ्रेनिया भी थी, आसपास चीज़ें महसूस करती थी कि कोई है, कोई ये है, भय लगता था इसको। अब कोई कष्ट है? खुश हो, प्रसन्न हो, अब ये सब मस्त है, इनका कोई चिंता नहीं। हीरो कैसे हो? ठीक है। ठीक हो? अजय दा जी। हाँ जी, कुछ नहीं है जी, मस्त हो? मोबाइल देखना है? इनको मोबाइल दो, जरा दे मोबाइल, देखो देखना है, है? देखो चलाओ मोबाइल, उसको दो, छुटकी को देखो, वो चलाएगी? चलाने का मन कर रहा है मोबाइल? चलाने का मन कर रहा है? हैं? नहीं कर रहा है। यही किया दरबार ने तुम लोगों का, तुम लोग बहुत मोबाइल देखते थे, इसलिए मोबाइल देखने की इच्छा नष्ट कर दी गई। आप खूब मजे करो, मम्मी के साथ खूब काम करो, काम कराओ, पढ़ाई लिखाई करो, है ना? हाँ, खुश हो बेटा। तुम्हारा मोबाइल देखने मन कर रहा है? बड़ी वाली बिटिया के दो मोबाइल ले रहा हूँ, हैं? देखो इच्छा हो रही करने चलाने की, मोबाइल देखो, मोबाइल तेरा तो देखो, इच्छा हो रही? नहीं। खुश हो, मस्त। तो बेटा आप दो लोग रहोगे, बड़ी वाली बिटिया रहेगी महाहवन में। हाँ, जैसे हम पहले बाबा गुरु गोरखनाथ का जो है कि पूजा करने कर, हाँ हाँ, का इस समय पूजा उनका कर सकते हैं गुरु जी घर में? उन्हीं की वजह से यहाँ तक पहुँचे ही हो जी जी, ठीक है, नहीं तुमको रास्ता नहीं मिलता। गुरु जी उनका भक्त बहुत बहुत गंदा आदमी था, वही कह रहे हैं, हमको छोड़ना पड़ गया, आपके दरबार में आकर गिर गए, बहुत हमको खुशी हो रही है आज गुरु जी। गुरुदेव की वजह से यहाँ तक पहुँचे हो, बस यही समझो उनकी कृपा से यहाँ तक आ गए हो, नहीं तो तुम, बहुत धन्यवाद गुरु जी, नहीं तुम कोई दरबार भोलेनाथ का नहीं मिलता। खुश रहो, तुम तीनों लोग रहो, बड़ी वाली बिटिया और दोनों लोग, अच्छा संकल्प। लोग ऐसा ही बदनाम करते हैं गुरुओं को, जो बीच में रहते हैं कुछ लोग, पूजा पाठ के नाम पे, गुरुओं के नाम पे, ऐसे ही लोगों को धोखाधड़ी करके और फिर उनके नाम को बदनाम करते हैं, जानते कुछ नहीं, बदनाम करते हैं। इसलिए सही लोगों से मिलना चाहिए, सीधे प्रार्थना करो उनसे जब भी करो, ठीक है? बात करना चाहते, बोलिए बोलिए। हमारे दिमाग हमेशा बंदा बंदा व्हाइट कलर के रस्सी से लगता है सपना में। एक मिनट बात सुनो बेटा, आप भूतकाल में क्यों जा रही हो? तो खत्म हो गया, आप चेक करो, कुछ है चेक करिए जो बंधा रहता था। हाँ सर, हैं? हाँ अभी बंधा बंधा सर। आंखें बंद करिए, ये जो अपने मायके के बारे में सोच रही, नष्ट कर दिया जाए, प्रहार भ्रम नष्ट किया जाए। आँख खोलिए, हाँ आप चेक करिए, नहीं अब ठीक हुए, ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो।